हमसे मिला, बात करा, पत्नी अपनी बोले फादर से इसके यू नो रिगर तरीके, बट जो भी मत प्राय मोनी एंड दे सुना सुना आई थिंक न्यू इट वाज अ वेरी बेस्ट आई जस्ट प्रे दैट आई थिंक इट्स ऑल इन द मैच. Thank you.
रहते हुए शांति पूर्वक बैठकर हमारी समक्ष में जो शव रखा हुआ है उसका आदर करें, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु ऐसी सच्चाई है जिसे देखेंगे, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो एक घाव है हाथ में, अगर वो दुख जाए तो पीड़ा होती है ना, उसी प्रकार ये शव भी आज हमारे समक्ष है, ना बोल सकती है ना कुछ कर सकती है। जब तक जीवन था तब तक ये संघर्ष करते रहे, और जब कभी अवस्था बिगड़ती है तो वही बात होता है कि परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं होता। आए हुए इष्ट मित्र सभी को देखते हैं हम लोग और सोचते हैं कि क्या करें, मैं भी इस गांव का व्यक्ति हूँ, लेकिन जब सुना तो घर पर ही शोक से व्याकुल हो गया, लेकिन करे क्या, हमारी हाथ की जो चाबियां है हमारे पास जब तक जिंदगी है तब तक रहती है, जो रोज हम लोग के चाबी जो चलाने वाला है वो ऊपर बैठा हुआ है। कई कवियों ने गाया है कि ऊपर बैठ कर हेश्वर तू देखा कर बस देखा कर ना? तो हमें यहाँ भेजा गया है एक पहुना की माफी, कि जब तक जिंदगी है तब तक अपना कर्म जो है वही अच्छा कर्म करो, और खराब कर्म करने से तो खराब फल भी। ये व्यक्ति जो थे मेरे जानने में सिटी काउंसिल में काम करते थे, कई संघर्ष किया, कई अपने घर की संपत्ति सबको बनाया, सब कुछ किया, लेकिन परमात्मा की गति बड़ी बलवान है, उसे रोकना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। हम नहीं रोक सकते उसे, क्योंकि समय जो है वो सबसे बलवान है, समय जो है वो सबके साथ सबके पीछे पीछे लगा, लेकिन हमें नजर नहीं आती समय क्या है, कैसे करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए, वो समय ही बदलाता है। परंतु हम समय को नहीं देख सकते, समय को नहीं समझ सकते। ये व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी संघर्ष किया फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि जब तक जिंदगी चले अच्छा कर्म करो, अच्छी तरह से निभाओ और अच्छा ही सोचो, वरना एक दिन हम सबको यहाँ इष्ट मित्र जन आया है, एक न एक दिन सबको इसी प्रकार शैया पर लेटकर लौट जाना है। हम सब मेहमान के रूप में है, यहाँ मेहमान ही है, और सबको इसी प्रकार एक दिन लौट कर जाना है। वहां जाकर क्या जवाब दोगे जब वो पूछेंगे कि तुम्हें तुम्हारा भेजा रहा कौन सी करने के लिए, क्या करने के लिए, कर्म करने के लिए, अच्छा कर्म करो और अच्छे से लौट कर जाओ, तो वहाँ जवाब दे गए तो उसको भी पता चलेगा कि हाँ एक व्यक्ति था कोई कर्म करके अच्छा। और जहाँ पर ऐसी दशा हो जाती है वहाँ पर ज्यादा हो सके तो शांत चित्त से शांति से उसे हमें विदा करना है, क्योंकि वो तो लौटेगा नहीं। हम यहाँ आते किस लिए, क्यों आते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति इंसान के जिंदगी जो मिला है उसे हम ये सोचते हैं कि कभी आज ऐसा चेहरा तो देखे मिली नहीं, चलो कहीं नहीं आ जा पहला रोज हो या आखिरी रोज बोलो, चलो जिसके चेहरा तो देख के आएगी रही जिंदगी भर तो कमाया, और आज आखिरी दिन उसके ये पहला दिन बोलो, उसके चेहरा नहीं देखा तो फायदा कौन सी जिंदगी में, जो कस के कमाए कोई सड़क करो और मर गया तो बोले मट्टी में नहीं जाता, क्या होगा। सबकी गति समय की गति बड़ा बलवान है भैया, आया है सो जाएगा,
दुनिया में दुनिया भर में यही वस्तु बना है, आया है सोई जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा और कोई बना, जंजीरों में बंधा हुआ हम लोग को जाएंगे और फिर हम यही सोचते रहते हैं कभी अपना कर लिया है। आशा तृष्णा नहीं मरती है, इंसान मर जाता है लेकिन उसकी आशा और तृष्णा जो है वो नहीं मरती, क्योंकि जब तक जीते हैं तब तक सोचते रहते हैं इतना कर लिया और थोड़ा और कर लिया इतना बढ़ जाए, लेकिन तृष्णा जो है वो बढ़ते जाती है और कभी समाप्त नहीं होने वाली। जिंदगी भर कमाओ खाओ पियो लड़कन बच्चे सब के पालो सब कुछ करो, लेकिन आखिरी में क्या होता है, ऐसी स्थिति जब मिल जाती है देख लेते हैं तो क्या सोचते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में हजारों सैनिक थे, 18-24 सेना थी, उसका भी एक कर्ता धर्ता जो है वो अकेले संपूर्ण लड़ाई लड़े, परंतु किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि लड़ाई कौन लड़ता है। 18-26 सेना में से बहुत मुश्किल से एक या दो बचे थे, वरना सबका संहार अकेले मैं ही किया। मैं कौन है? मैं जिसके हाथ में संपूर्ण चाबी है और जिसको मैं चलाता हूँ, जिसको मैं रखता हूँ, जिसको जब समय आया उसे लेकर मैं ही जाता हूँ। मेरे ही ताकत से, भगवान कहते हैं कि मेरे ही ताकत से पेड़ के पत्ती भी है जो वो मेरे ही ताकत से हिलती है, और किसी का जीवन भी चलाना मेरे ही आश्रय है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बतावे है कि तुम जाके 18-26 सेना के बीच में देख लो कि कौन तुम्हारा है। अर्जुन जाके मुंह में पड़ जाता, देखे तो हमारे मैया, हमारे भैया, हमारे मामा, हमारे काका, हमारे सब कोई है, इनके ऊपर हम मान कैसे छोड़ के ये लोग के मार के दुनिया का राज ले ली। अर्जुन मुंह में फंस जाता है, तत्पश्चात में भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि देखो ऐसे नहीं ऐसे है, लड़ाई करना और कराना ये तेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात है, मैं ही कहता हूँ, फल की आशा नहीं करो कि हम इसके मारा है उसके मारा, कोई किसी का मारता नहीं है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन मुंह जो है वो हमें खींच कर फंसा डालती है। और देश की स्थिति को देखते हुए हम लोग थोड़ा दूर दूर भी और बैठ जाए तो क्या गति, क्या अच्छी बात होगी। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा थोड़ा दूर दूर बैठ लो, इसके मतलब ये देश में इतना अच्छा देश है कि हम लोग को इतना भी मौका लगा है कि हम लोग जाके दर्शन कर ले मट्टी में, और नहीं तो वही बात होगी कि आया ना वो भी मौका नहीं लगा के, इंसान के पास है तो इंसान समझ सकता, वरना जब समझोगे नहीं और सोचोगे भी नहीं कि कैसी स्थिति है कैसे चले कैसे करोगे। इसलिए हमें शोक करना, मैं जहाँ तक जानता हूँ हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए कि आत्मा तो फिर हम आत्मा के लिए क्यों शोक करें, शरीर तो नाशवान है, शरीर पांच तत्व का पिंजरा है, पांच चीज से बना है वही में मिल जाएगी, और सिर्फ चेहरा जो है वो हमें देखने हो, पांच तत्व का पिंजरा कभी दस ने पांच तत्व का पिंजरा बोले तनिक को नहीं बिगड़ा, गेरे कुल परिवार हो है? दुनिया भी सपना समान है, पूरा परिवार भी अगर जुट जाओ तो ऐसे हम जिला नहीं सकते, ये कवियों की बात है मेरी नहीं, मैं तो बड़ा हूँ पढ़ता रहता हूँ, तो ये पांच तत्व के पिंजरा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर जो है उसे में मिल गई, और हमें वो आत्मा को तो कोई देखी नहीं, आत्मा क्या है, ईश्वर
ईश्वर में ही मिल जाता है। महाराज उसके लिए शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का है, सिर्फ परमात्मा मिल जाता। इसीलिए हमें शोक करना बेकार है। शांति से जितना हम श्रद्धा पूर्वक उसे कुछ भी दान करेंगे, वो आत्मा को जरूर मिलेगी। और वो आत्मा कहीं भी हुई, किसी भी योनि में चिड़िया प्रेमी हुई, कोई भी चीज की होने में शांति जरूर मिली। और हर मन से धन से दुखी होकर यहाँ एक फूल भी चढ़ाया तो वो आत्मा के नहीं, परमात्मा दिल तो माने नहीं, लेकिन उसकी ताकत मिलाना है, ताकत मिलाएंगे सोच के करना है। क्योंकि सामने जो शव है उसके समक्ष हम रोएंगे पीटेंगे। इसलिए कोई भी आए वो दर्शन करके जुड़ते थोड़ा दूर दूर हो जाए चला जाए तो फायदा है, हम स्वस्थ हो जाते देश की स्थिति को देखकर। क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, अगर सभी लोग आकर देखने को और एक जगह जुट हो जाएंगे तो देखना आना भी वो अधिकारी जो है रह देंगे। इसलिए हम सोचता है जहाँ तक कोई आओ भी तो दर्शन इच्छा करो, दूर दूर थोड़ा खड़ा रहो, जो व्यक्ति लोग है सेमेंट्री जा सके थोड़ा दूर दूर भी खड़ा रही तो उन्हें मौका दिया जाएगा वहाँ जाकर दर्शन कर। और यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि कोई और तकलीफ आए, इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरी इंसान को यह समझना चाहिए कि देश की स्थिति जो है उसे मद्देनजर रखे और उसी का पालन करें। मुझे तो इतना ज़्यादा खुशी है कि इस देश में इतना भी मौका है कि हम जाए किसी के अंतिम संस्कार में भाग ले, किसी के दुख में सम्मिलित होवे, इतना भी मौका दिया जाता है। लेकिन हम अगर वही काम करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए तो लोग क्या कहेंगे, कैसा गांव रहा, कैसा नदीन हुआ। हाँ, ऐसी स्थिति लोग कहेंगे, कहने को मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। इससे पहले थोड़ा अपने में समझ लो, इंसान हम लोग इंसान हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारे समक्ष जो सब रखा उसके लिए हमें मोह करना, मोह माया जो है वो हमें खींच कर ले जाती है। लेकिन फिर भी कलेजे पे पत्थर रखकर उसे पत्थर ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्थिति है देश की, हमारी स्थिति जो है उसे मैं नहीं कह सकता कि कैसे हम उसे पार लगाएं। तो जो कोई भी दूर से आए उसे भी मौका देंगे हम जाकर दर्शन कर ले, अच्छा दूर दूर खड़ा रहे हाँ या बैठा रहे कोई भी करा करे, लेकिन यही सोचे कि वो आत्मा हमारे समक्ष था आज नहीं है। वो जो शव है ना बोल सकती है ना कुछ कर सकती है, जब तक था संघर्ष भरी जीवन थी और आज नहीं है, इसके लिए हम शोक करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि माया मोह जो है उससे कोई ना पार पाई है और ना पार पाएंगे, दोनों बातें। क्योंकि आत्मा पांच तत्व का पिंजरा, मैंने बताया ना पांच तत्व का पिंजरा, एक तनिको नहीं बिगड़ा, एक कवियों की बात है, एक भी बिगड़े नहीं, पृथ्वी जल अग्नि आयु वायु बना हुआ वो सभी उसमें मिल जाने वाले। तो मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि लोग सब समझ सकते हैं। और हमारा जो ये भाई था ये बड़े संघर्षशील व्यक्ति थे, सुनने को जब मिला किसी दिन तो घर पर ही ऐसा शोक हुआ कि सोचा कि देखो
कभी कभी ऐसा भी स्थिति आती है कि बड़े बूढ़े घर के लोग जो है बड़े बैठे रह जाते हैं और छोटा सा बच्चा कोई पैदा होकर भी मर जाता है, क्योंकि स्थिति और चाबी जो है वो मेरे हाथ में है। भगवान कहते हैं वो मेरे हाथ की चाबी है, मैं जिसे जिलाऊंगा वो जिएगा और जिसे मैं मारना चाहूंगा। जन्म से पहले हमारी मृत्यु भी अंकित हो जाती है, जैसे जन्म मिला वैसे बहुत लिखा जाए, हमारा चित्रगुप्त जो है वो लिख कर रखते हैं इतने दिन इसकी जिंदगी है। कई कई बड़े बड़े राजा हुए, कई के संतानें भी ना थी, लेकिन वो संतान के लिए मर जाए के पंडित की सेवा करो, एक ऋषि की सेवा करो, कुछ करो, अगर उसके आशीर्वाद लग गया तो जैसे ब्राह्मणिया बैठे हुए इनकी अगर आशीर्वाद मुझे लग गई तो जो वो कह देंगे वही संकीर्तन। इसलिए मैं श्रीमान पंडित जी से आग्रह करूँगा कि वे इन सब के निमित्त कुछ शब्द करें और अपना जो हमारा जो किया है सनातन धर्मानुकूल उसे संपन्न करने की कृपा करें। उपस्थित शोकातुर परिवारजन और बड़ी दुख की बेला है, जबकि हमारे बीच से और अरविंद प्रसाद जी जो हम नहीं रहे, हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री हरि के धाम पर स्थान कर चुके हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना से बढ़कर और कुछ नहीं है। प्रार्थना में ऐसी शक्ति होती है, हम लोग सभी मिलकर भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे श्री हरि, हे श्री कृष्ण भगवान जी और स्वर्गीय अरविंद प्रसाद जी की जीवात्मा जहाँ कहीं पर सदगति की प्राप्ति हो, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, यही हमारी मनोकामना, हमारी विनती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव विशेष वराय, आदि पुरुष म परम पारियाली लोक पुरुष नाय नमः। जगत बंधु ज्योति सर रूप जिया की जानन हार, हरि अशे मांगनाए दास प्रभु के द्वार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चलते हैं आज श्रीमद् भागवत गीता कथा जो है और आपको सुनाएंगे। भैया ऐसे बोर्ड के पकड़ लीजिए, यहाँ से दर्शन करना है, आप लोग इधर खड़ा रहना, सबसे गाइड करना, इधर ना झुकना हो, ऐसे नहीं झुकना जाना, आप उधर से जाओ, आप लोग बताना सबसे गाइड करना, ऐसे नहीं बोर्ड के पास सही करना है। यानी कि भगवान के बिना और कुछ भी नहीं हो सकता है संसार में, जो कुछ भी यहाँ पर होता है यह सब भगवान के कृपा से ही होता है। भगवान चाहे तो गुंगा जो है ये बोल सकता है, लंगड़ा जो है पर्वत फान सकता है, बहरा जो है ये कान से सुन भी सकता है, तो भगवान की कृपा ही होनी चाहिए। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता संसार में। तो श्री कृष्ण भगवान जी के लीला जो है, ये कथा जो है और बड़े भारी है, यानी कि बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन के साथ में ये कथा जो है उनको सुनाया था कुरुक्षेत्र में खड़े होकर। कुरुक्षेत्र कहाँ है? जहां लड़ाई यानी कि महाभारत की युद्ध हुआ था, जहां होने में शुरुआत बस युद्ध होने वाला ही था, युद्ध से पहले श्री कृष्ण भगवान जी ने और ये कथा जो है अर्थात जो ज्ञान के बात जो है अर्जुन को समझवाया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन भटक सा गया था, बोले कि नहीं अब हम ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन भटक गया। और मनुष्य हमेशा अपने अपने जीवन में भटक जाता है, ठीक है, और जब हम लोग भटक जाते हैं तो कुछ ना कुछ गलत निर्णय जो है ये ले लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान से और विनती करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमारी रक्षा करना, हम हमेशा सही मार्ग को अपनाए। और क्या होता है, जहाँ कुरुक्षेत्र के बारे में भी हम बतला रहे थे, तो कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? अभी उस जगह का नाम अफगानिस्तान है, जहाँ वहीं पर कुरुक्षेत्र। पुराने जमाने में अफगानिस्तान को कुरुक्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। तो आज भी आप देख रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है ना, आज भी लड़ाई हो रहा है, लड़ाई कभी खत्म नहीं होता, बंद नहीं हो जाता। तो बताए श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता में 9वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, और तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए अति गुप्त सहस्त्र ज्ञान और अनुभव तुमसे मैं कहता हूं।
इसे जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा या ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र उधम प्रत्यक्ष बल वाला है, धर्म युक्त है, साधन करने से बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। ये परंताप इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते हैं। तो बताएं श्री कृष्ण जी, और ये अपना अनुभव हम आपसे कह रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस जो बोले हम आपसे बताने जा रहे हैं बोले, और तुम ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि ये बात जो है बोले ज्ञान के बाद तो इसे जानकर कभी कोई और मुक्ति को नहीं भटकेगा, नहीं स्वयं मुक्ति को प्राप्त होगा और कभी नाश नहीं होगा। ये ज्ञान जो है बोले सबसे गुप्त ही है, यानी कि बहुत सीक्रेट बात है, और बोले मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, ये सबसे पवित्र है, उधम है यानी कि श्रेष्ठ है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, और धर्म युक्त यानी कि अपना धर्म के अंतर्गत में ही। और तो बताते हैं हे परंताप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते मुझे कभी नहीं पाएंगे। जो लोग मुझ में श्रद्धा नहीं रखे हैं और भक्ति नहीं रखे वो बोले मुझे कभी नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। मैं अवस्त हूँ और मैंने यह जगत प्रकट किया है, बोले मैंने ही सारा संसार बनाया और मैं ही ये सारा संसार जो है ये बिगाड़ता हूँ, ऐसे श्री कृष्ण भगवान जी बताएं। सब प्राणी मुझ में सिद्धित है किंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ। बोले ये जितने भी प्राणी यहाँ पर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, इन सभी को बोले मैंने ही और बनाया है और लेकिन मैं उनमें रहता नहीं हूँ, ऐसे श्री कृष्ण भगवान जी बताए। मुझ में मौत भी नहीं है, मेरा वे ऐश्वर्य कर्म देखो, और जिसमें मेरा ही आत्मा सब भौतों को पालन करती हुई भी नियमित नहीं, यानी कि बोले देखो बोले हमारा कर्म ठीक है, मनुष्य अगर हम लोग अगर कुछ करते हैं तो हम लोग अपना हिस्सा जो है अपना हक जो है इसे मांगते हैं, तो भगवान क्या बताते हैं, देखो बोले जगत हमने ही बनाया है, बोले आकाश पृथ्वी पाताल जो कुछ है सब कुछ बोले हमारा ही दिया हुआ है, ये जगत में सब कुछ हमारा ही है, मैंने ही ये शरीर बनाया, मैंने ही मनुष्य को बनाया है, लेकिन मैं उनमें रहता नहीं हूँ, ऐसे श्री कृष्ण भगवान जी और बोलते हैं। सभी जीव कल्प के अंत से मेरी प्रगति में आ मिलते हैं और कल्प के आखिर लेकर उनको गुणों के स्वभाव वाले समस्त है और भौतिक वर्ग में मैं बार बार उत्पन्न करता रहता। तो बोले कल्प के अंत यानी कि जिस समय सतयुग त्रेता द्वापर खत्म हो जाती है उस समय भगवान क्या बताएं, सब जीव बोले मैं समेट लेता हूँ अपने पास और बुला लेता हूँ, और फिर जब सृष्टि की रचना जब होता है तो बोले फिर मैं और उन्हें अलग अलग और योनियों में बांट देता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, ये बात है। इसी कारण जगत बनाता भी मैं रहता हूँ और बिगाड़ता रहता हूँ। मूर्ख लोग मेरी परम स्वरूप को नहीं जानते हैं कि किसके समस्त चराचर का स्वामी हूँ, वे मुझे मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना और करते हैं। तो मनुष्य जानकर बोले हमेशा ये लोग ऐसे करते हैं, हम लोग हमेशा कोई ना कोई लोग ऐसे करते हैं, भगवान को साधारण मनुष्य यानी श्री कृष्ण भगवान जी को यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग उसको साधारण मनुष्य मानकर अवलना के मतलब है कि उनके बारे में खिलवाड़ करते हैं, ठिल्ली करते हैं ना, तो ऐसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें ऐसे ऐसे बोले मनुष्य जानकर मेरी अवलना करते हैं और वे उनकी आशा व्यर्थ कर्म निष्फल ज्ञान है, निर्थक चित्र भ्रष्ट है, वे उसी असुरी प्रगति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है, यानी कि मोह माया में फंसे हुए हैं इसीलिए और यह अवलना करते हैं, यानी कि मनुष्य एक दूसरे में ऐसे बात करते रहते हैं भगवान के बारे में। तो बताते हैं उनके पास और बताते हैं वेद और शास्त्र का ज्ञान नहीं, वे उसी असुरी प्रगति यानी कि राक्षस वश में और फंसे हुए हैं। तो बताते हैं जो मोह के उत्पन्न करती, जो मोह माया के उत्पन्न करती है, मोह माया क्या है, जैसे आज आप देख रहे हैं कि भैया जी के शो जो है यहाँ पर रखा हुआ है, उनकी पत्नी उनके परिवार सभी लोग बहुत विलाप कर रहे हैं, यानी कि बहुत रो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मोह माया है हमसे और अपने से कौन ने लगाव रखता है, सभी को लगाव होता है ऐसे। तो और भगवान बताते हैं मोह माया से और दूर रहनी चाहिए, क्यों ऐसे बताते हैं, क्योंकि जो बात अनिवार्य है बोले यानी कि जो बात गारंटीड है एकदम होने वाला है, कोई दूसरा बात नहीं है, तो बोले उसके बारे में सोचना ही क्या, ठीक है। तो बताते हैं नमस्कार करते हैं, हाँ बताते हैं दृढ़ व्रति ही सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, कोई ज्ञान योग से पूजते हैं और उपासना करते हैं, कोई एक तत्व से कोई पृथक पृथक यानी कहीं एक प्रकार के भगवान के नाम लेकर हम लोग पूजा करते हैं,
हमेशा किसी ना किसी तरह के यानी कि हम लोग भगवान के कहने एक नाम से और पूजा पाठ आदि करते रहते हैं, बल्कि यानी छोटे छोटे कई अनेक रकम के और भक्ति हम लोग भगवान के करते हैं। श्रोत यज्ञ में ही हो, सामवत यज्ञ में ही हो, पितु यज्ञ में ही हो और अशुद्धि मात्र होम और साधन घृत अग्नि होम और मैं ही हूँ यानी कि किसी भी तरह के होम यानी कि अग्नि में जो आहुतियां आप छोड़ते हैं वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी के नाम से और ही होती है ऐसे। और भगवान श्री हरि यानी कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं इस जगत का माता पिता यानी कि इस जगत के मैया और पप्पा माता पिता मैं ही हूँ ऐसे श्री कृष्ण जी बोलते हैं। धर्म करता पितामा और जान करता योग पदार्थ ओंकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। गति पालन करता प्रभु साक्षी निवासी साधन रक्षक मित्र उत्पन्न करने वाला संघार कारक आधार प्रलय साधन और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से और तापता हूँ मैं ही वर्षा रोकता हूँ यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को क्या बताते हैं और बताते हैं संघार कारक यानी कि मृत्यु देने वाला भी मैं हूँ, प्रलय साधन अविनाशी बीज यानी कि प्रलय का पूरा दुनिया बिगाड़ने वाला मैं ही हूँ और अविनाशी यानी कि सब कुछ नाश करने वाला के शुरुआत मैं ही हूँ। बोले मैं प्रतिदिन सूर्य बनकर तापता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ और मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन मैं ही अमृत एवं मृत्यु। तो बोले मैं ही अमृत, अमृत का मतलब है कि मैं ही जीवन देने वाला हूँ और मैं ही और मृत्यु देने वाला हूँ और सतो असतो भी मैं हूँ यानी कि अच्छाई और जो बुराइयां हैं वो सब हमसे ही हुआ है और हम ही ऐसा करते हैं। तीनों वेद में ज्ञान, सोम पीने वाले में पाप रहित और यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करने स्वर्ग में देवताओं के तुल्य दिव्य सुख भोगते हैं। तो बताते हैं जो अगर इस पृथ्वी पर भगवान श्री हरि का पूजा करता है, आप अगर रामायण में जाते हो, रामायण कथा सुनते हो, भागवत कथा सुनते हो, श्रीमद् भागवत गीता सुनते हो, कृष्ण जी का पूजा घर पर कर रहे हो या हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप जो है ये कर रहे होते हो, तो भगवान बताते हैं मैं इसे और स्वीकार करता हूँ, ये मेरा ही और पूजन है। और क्या बताते हैं भगवान, यज्ञ द्वारा यानी कि किसी भी तरह के हवन यज्ञ आदि अगर आप करते हैं तो बताते हैं और वो मेरा ही पूजन हो जाता है। तीनों वेद का ज्ञान और सोम पीने वाला मैं हूँ पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजन करने स्वर्ग में यानी कि यहाँ पर अगर आप भगवान की पूजा आदि कर रहे हो, सेवा कर रहे हो तो मृत्यु के पश्चात बताते हैं बहुत सुख मिलेगा। जैसे देवताओं लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं वैसे हम भी सुख भोग सकते हैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर अगर भगवान के भक्ति आपको अगर अच्छी तरह से आती है भगवान के भक्ति। और भगवान के भक्ति किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं, सिर्फ क्या करना है भगवान में श्रद्धा रखनी है, भक्ति रखते हैं। रोज सुबह आप उठते हैं तो स्नान के बाद में आपको भगवान के नाम से कुछ अर्घ देनी चाहिए यानी कि कुछ पानी वगैरह आप चढ़ा दें, पूजा स्थान हो तो वहां पर दिया बारनी चाहिए और सभी के घर में पूजा स्थान होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप भोजन करने का समय हुआ होता है तो भोजन आप पकाते हैं तो भगवान के पहले भोग लगानी चाहिए। अगर आपने भोग नहीं लगाया, स्वयं भोजन कर लिया, पहले खा लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का अर्पण नहीं किया है तो आप चोर कहलाते हो। क्यों आप चोर कहलाते हो, शायद अगर आप बोलेंगे आटा चावल तो आपने खरीद के लाया था, चोरी नहीं की, नहीं आटा चावल तो आपने खरीद के लाया था, लेकिन पेड़ किसके कृपा से होता, वो भगवान श्री कृष्णा जी के ही कृपा से होता, श्री हरि जी के ही कृपा से होती है। हमारे और आपके बल बल उपाय करने पे कुछ नहीं हो सकता है, अगर भगवान चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, वो चाहता है तो सब कुछ होता है। तो भगवान को भोग लगानी चाहिए, सरदार भक्ति से प्रेम से भगवान का कुछ भी चढ़ा दे, फल फूल पानी सब कुछ बोले आप जो कुछ भी है आप भगवान को चढ़ा दे। प्रार्थना करें जिस समय आप भोजन का खाने का समय होता है, अगर आपने अगर सात्विक भोजन बनाकर भोग नहीं लगाया है तो भोजन करने से पहले भी हाथ जोड़कर भगवान का नाम ले, भोजन करने वाला मंत्र जो है ये बोल दे। आपको अगर मंत्र नहीं आता है तो आप सीख ले, नहीं सीख पा रहे हैं कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर कम से कम बोले तो भगवान इस भोजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु तीन बार बोलकर आप भोजन को ग्रहण कर लो तो भी भगवान आपको भोजन में आशीष दे देगा यानी कि आशीर्वाद दे देगा और उस अन्न को ग्रहण करने से आपके शरीर के सारा रोग दूर हो जाएगा। तो बताते हैं
जैसे देवताओं सुख भोग रहे होते हैं स्वर्ग लोक में, वैसे मनुष्य और इस संसार में, इस मृत्यु युक्त संसार में और सुख भोग सकता है। और वे उसी विशाल स्वर्ग लोक के सुख भोगे भोग कर पुण्य के छीन होने पर वे मृत्यु लोक को आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों का, यज्ञ आदि धर्म का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले आवागमन होता रहता है। अन्य भाव से चिंतन करने से मिली और उत्पन्न करते हैं उस नीते योगियों को योग क्षण आधातु साधन भुन छंद आदि इनके रक्षा करता हूँ। हे कुंती, जो दूसरे देवताओं के भक्त है और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु वे विधि पूर्वक पूजन नहीं है। यह सब यज्ञ का भोग और स्वामी मैं हूँ। तो बताते हैं, जो अन्य देवी और देवताओं का पूजा अगर आप करते हो तो बताते हैं वो मेरा विधि पूर्वक पूजा नहीं। क्यों ऐसे भगवान बताते हैं? क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, जो मेरा व्रत को नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते। यानी कि जो कृष्ण भगवान जी के लीला के बारे में नहीं जान पाए, कृष्ण भगवान जी के कथा के बारे में नहीं जान पाए, वो बोले इस आवागमन के चक्र से छूटता नहीं हमेशा, और वहीं के वहीं फंसा रहता। देवताओं के पूजने वाले देवलोक के प्राप्त होते हैं। तो बोले आप जिस देवी या जिस देवताओं की पूजा करते हो उसी लोक को आपको प्राप्ति मिलेगा। और बताते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितृलोक को पाते हैं, यज्ञ आदि के पुजारी यज्ञ लोक को पाते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पात्र पुष्प, यानी कि दिल से दिया हुआ, श्रद्धा से दिया हुआ, प्रेम से दिया हुआ, भगवान बोले और पुण्य के फल या जल भी मुझे अर्पण कर दो, उसे मैं शुद्र अंत करण वाले प्राणी से भक्ति से दिए हुए वो पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। तो बताते हैं, ये पार्थ है जो तुम करते हो, खाते हो, ऐसे करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ पलोक से मुक्त हो जाओगे, और सन्यास योग से युक्त ये उनका अवश्य पाओगे। मैं समस्त भोग का सामान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वे मुझ में ही और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचार्य भी हो तो अन्य भाव से मेरा भजन आ करे, उनको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उनकी उत्तम मार्ग ग्रहण किए हैं। वे शीघ्र धर्मात्मा होता है और चित्र सधाई शांति को पाता है। हे अर्जुन, या निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। हे पार्थ, मेरी आक्षरीय पाकर नीचे कुल के उत्पन्न स्त्रियां वैश्य शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं, और फिर जो पुण्य भक्ति भक्त राजश्री और ब्राह्मण हैं उनकी तो बात ही क्या है। अथा इसे नाशवान और दुख से मेरा संसार में जन्म पाकर तुम मेरी ही भजन करो और मुझमें ही मन लगाकर मेरी भक्त बन जाओ। मुझमें नमस्कार करो, मुझमें ही लौ लगाए रहकर मुझमें ही लय हो जाओगे। यानी कि कृष्ण भगवान जी बताते हैं, बोले मेरे ही रचित संसार में और मेरे ही कृपा से तुम्हारा बोले जन्म हुआ है और इसमें सुख भोगो। तो इसमें सुख मनुष्य कैसे भोग सकता है? जब भगवान श्री हरि श्री कृष्ण जी में आप विश्वास रखोगे, उनको और अपने स्वामी मानोगे, गुरु जी मानोगे, उनका पूजा करोगे, उनका गुणवाद करोगे, उनका नाम लोगे, तभी बोले आपका जाकर भला होगा और उसी से आप इस संसार से मुक्त हो पाओगे। तो उपस्थित सुखद परिवार ने देखेगा, मुक्ति के बारे में बतलाते हैं। मुक्ति हम सभी को होनी चाहिए, और मुक्ति का मतलब है कि वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम क्या है? भगवान श्री हरि के चरण है, भगवान श्री हरि के धाम है, जहां से कोई जीव कभी वापस इस दुनिया में नहीं आता है, संसार से में नहीं आता है। क्योंकि भगवान बताए ये मृत्यु तो संसार है, यानी कि यहाँ पर जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चय है। यहाँ पर कोई भी चीज और ऐसे नहीं अमर नहीं हो सकता। आप देख लो, पेड़ पालो देख लो, जानवर देख लो और मनुष्य देख लो, तो मृत्यु होते हैं और उसके उपरांत क्या है आप देख लो, ये घर का जो पंखा है, ये बत्ती का जो गारंटी है, जो कुछ भी लोहा आदि, एक ना एक दिन ये नशवान होगा, सड़ जाएगा, फिर से बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो बोले जो चीज गारंटीड है एकदम यानी कि और अनिवार्य है, तो उसके लिए बोले सोच नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम सभी को भगवान बताए तैयार रहनी चाहिए, मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है ना, तो हम लोग जान जाते हैं कि एक दो दिन में पैदा होगा,
8 महीने में पैदा होगा, 10 महीने में कब पैदा होगा, सभी लोग अनुमान लगा लेते हैं, उनके लिए तैयारी और सभी लोग करते हैं, और बच्चा पैदा होने पर हम सभी लोग बहुत खुश मनाते हैं। लेकिन छोटा सा बच्चा जो है हमेशा रोता रहता है। क्यों रोता है? क्योंकि दुख के घर में आ गया, संसार में आ गया है, और यहाँ सभी तरह के दुख है। यहाँ क्या क्या दुख नहीं, आप जानते हैं, आप सभी लोग दुख भोग रहे होंगे। ठीक है, सुबह उठना, भाग दौड़ करना, घर के काम काज, नौकरी पे जाना, फिर ऐसे भाग दौड़ ऐसे करना, संजा के घर पर आना, यहाँ पर भाग दौड़ ऐसा रहेगा, कभी ये भाग दौड़ से आप छुटकारा नहीं पाओ। और भगवान क्या बताया, कब ये भाग दौड़ से आप छूट पाओगे? जब मन में शांति आएगा मनुष्य, और मन में शांति कब आ सकता है? जब भगवान श्री हरि के आप अपने दिल में उतार लोगे, अपने मन में रख लोगे, तब जाकर मनुष्य को शांति मिलेगा। और अगर आप पूरा एकदम मुख्य शांति, यानी कि आपको वैकुंठ धाम का रास्ता बनाना है, क्या करना है, भगवान के भक्ति करना है, और भक्ति में वो शक्ति है जिससे मनुष्य वैकुंठ की अधिकारी हो सकता है। और वैकुंठ धाम जाने के लिए क्या लगता है, बिल्कुल मुफ्त में है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान में विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है, भक्ति रखनी है, उनके गुणवाद को गाना है। जहां कहीं पर भी आप देखें श्री कृष्ण कथा हो रहा, भागवत गीता हो रहा, भागवत कथा हो रहा, रामायण कथा हो रहा है, तो आप वहां पर जाए कथा सुने, और भगवान के बताए हुए आचरण, यानी कि भगवान के बताए हुए जो रास्ते हैं उन पर चले। पहला भक्ति भगवान ने रामायण में क्या बताया था, पहला भक्ति कर संतन के संगति, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, रामायण कथा आपको सुना सकते हैं, धर्म का मार्ग आपको दिख रहा है, उनके संगत करनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपना जो छोटी छोटी बातें उनको ख्याल के, माताजी पिताजी का सेवा करना, उनके बात सुनना, और अपने धर्म के आचार्यन पे चलना, यानी कि धर्म जो हम लोग तो बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, नियम आदि का व्रत का पालन करना, बड़े जनों यानी कि गुरुजनों सज्जनों को आपको और आदर सम्मान करना है, उनके कहना मानना है, बात मानना है, तो भी आपके ऊपर भगवान की कृपा आ पाएगी। तो बहुत ढेर सारे लोग ऐसे करते हैं, कभी कभी आप सुनते हैं अपने बड़े लोगों से या किसी भी से, छोटे भी हो तो उनसे थोड़ी उत्पान बात, यानी कि कोई अच्छे बात नहीं होता, घमंड से थोड़ा कुछ उधर बोल देते हैं। तो हम ये बात आपको बतलाना चाहते हैं कि हमारे शरीर में भगवान का दिया हुआ एक अंश जिसे हम लोग जीव कहते हैं, वो हमारा शरीर में भी है, और आपके शरीर में भी वही जीव है जो भगवान का दिया हुआ है, और भगवान का बनाया हुआ चीज, यानी कि हम और अगर आप सोचिए, अगर हम आपको नहीं इज्जत कर पा रहे हैं, आप हमसे नहीं अच्छी तरह से बात कर रहा है कर पा रहे हैं, इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान तो नहीं दिखाई देता है। भगवान का कब आप जान पाओगे? कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए हम बोलते हैं कि सभी में आपस में प्रेम रखे, भगवान यही बताते हैं, आपस में आप प्रेम रखे। वही बात श्री कृष्ण भगवान जी ने और दुर्योधन और जितने भी वहां पर कुरुक्षेत्र में लोग हैं, सभी कृष्ण जी को जानते थे भली भांति से। तो कृष्ण भगवान जी ने पहले बारीकी से समझाने की कोशिश की, दुर्योधन के धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, तो दुर्योधन क्या बोलता था कि बोले हम सुई के नोक के बराबर जमीन भी और पांडवों को नहीं देंगे। और इसी भांति से धर्म का युद्ध जो है छिड़ गया, और अर्जुन जो है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आकर खड़े होकर भटक सा जाता है, बोले कि नहीं, अब हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो बोले हमें इस और बाण और तीर के साथ में यहीं पर इस रणभूमि पर गड्ढा खोद दो और हमें यहीं पर तोप दो, तो बोले हमारा भला हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान जी बोले तुम्हारे पास इतने ज्ञान के बाद कहां से आ गए, तुम पंडित जैसे बात करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने ये ज्ञान जो अभी मैंने 9वें अध्याय में पढ़कर बताया, और कृष्ण भगवान जी ने अनेक प्रकार के, ऐसे नहीं कि सिर्फ 9वें अध्याय की कथा बताया था, पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय के जितने के संपूर्ण कथा है श्रीमद् भागवत गीता का, और अर्जुन को वहीं पर और खड़े खड़े रथ पर और बतलाया था युद्ध होने से कुछ पल पहले, और तब जाकर अर्जुन जो है वो संभल गया, बोले हाँ आप जो बता रहे हो मैंने जान गया आप कौन हो, और बोले मैं युद्ध अब करूंगा। श्री कृष्ण भगवान जी आगे की कथा में क्या बतलाते हैं कि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, तुम सिर्फ केवल नाम मात्र बन जाओ, यानी कि तुम एक बहाना बन जाओ कि तुमने तीर चलाया था, तो यही ये व्यक्ति की मृत्यु हुआ। कहने का मतलब यह है कि ये संसार में देखिएगा, भैया जी आप गुजर गए तो डॉक्टर जी जरूर चेक करके बताए होंगे कि इनके दिल के दौड़ाने के हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, या किसी भी बीमारी आपके परिवार के जो शरीर में आया था इसी कारण से मृत्यु हो गया। कोई आज तक कभी नहीं बोल पाया कि ये भगवान के धाम चला गया, और कोई नहीं जानता इसके कोई बीमारी नहीं, कोई ना कोई एक बीमारी नुकता जो है राजा रमन और अविनाशी, यानी कि जीव जो है वो शरीर से सिर्फ निकल जाता है, जीव जो है और यहाँ से प्रस्थान करता है यमपुरी को, यम लोक से फिर स्वर्ग लोक, या फिर बताते हैं वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हो सकती है मनुष्य को, अगर मनुष्य बताए हुए आचरण का पालन करना। तो उपस्थित है छोटा कुल परिवार जन, इस अध्याय की कथा में श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं
कि मुझ में ही लो लगा, यानी कि मुझ में ही मन लगाओ और हमको ही पाओगे। इति श्रीमद् भागवत गीता 9वां अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 9वें अध्याय में मातम में श्री नारायण जी बोलते हैं कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक और भावसु शर्मा नामक का शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर्स पी कर रमण करे। एक दिन मदिरा पीने से तिनका देह छूट गई, तब मरकर वो प्रेत बना एक वृक्ष पर जाकर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन में भिक्षा मांग कर स्त्री को ला देवे, स्त्री उनकी बड़ी आर का हानि थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वहां दोनों मरकर प्रेत हुए और वहां उसी वृक्ष पर नीचे जाकर रहे जहां प्रेत रहता। रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन उसी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म का खबर है? तब पिशाच ने कहा कि खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तो पिशाचिनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुझे खबर है? तब पिशाच ने कहा कि मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा कि तूने वह कौन सा साधना की थी तथा वो ब्राह्मण कौन सा था, अध्यात्म कर्म कौन सा था जिससे सुनने से तुझे श्रवण किया था? उनके प्रयोजन या एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से तीन बात पूछे थे, जो गीता के 9वें अध्याय में लिखा है। वह तीन बात पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करे और इन बातों से सुनते हुए एक और प्रेत उस वृक्ष से निकला। उसे कहे उसी ने और पिशाचिनी या तीन बात फिर से कहे, यानी कि जो कथा अभी मैंने पढ़कर 9वें अध्याय में आप लोगों को सुनाया था उसी कथा उसी बात के बारे में बतलाते है। मैंने अपने पति से पूछी थी वह कर्म कौन सा था जिससे पूछने पिछले जन्म का बात है याद रही। तब उनके पति ने पुनः तीन बात सुनाई जिनके सुनते ही वे तीनों प्रेत योनि से छूटकर देवदेह धारण करके विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चले गए। और श्री भगवान बोलते हैं कि लक्ष्मी 9वें अध्याय का मातम। तो उपशिष्य का तो परिवार जन यहाँ देखिएगा क्या होता है। श्री कृष्ण भगवान जी और बतलाते हैं यहाँ देखो नारायण जी की कथा में, और नारायण भगवान कौन है? स्वयं भगवान श्री विष्णु है, ठीक है। क्षीर सागर यानी कि दूध का समुद्र जहाँ वहां पर बैठे होते हैं, शेषनाग के सैया पे लेटे हुए थे। लक्ष्मी माई पांव दबा रही होती है और पूछती है उनके अनेक प्रकार के ज्ञान के बाद, और तुम जिसके बोले ध्यान करते रहते हो अपने मन में क्या सोचते रहते हो? तो बोले मैं अपने गुरु जी यानी कि शिव जी का ध्यान कर और मैं अपने कृष्ण लीला के बारे में सोचते रहता हूँ। ऐसे श्री कृष्ण भगवान जी और बतलाते हैं, बोले मेरा ये शब्द रूपी अवतार यानी कि लिखित में मेरा जो अवतार है ये श्रीमद् भगवत गीता है। और बताते हैं यहाँ पर क्या होता है। बोले तब नारायण भगवान माता लक्ष्मी को बतलाते हैं, ये बताते हैं प्रेत जब मुक्त हो सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुनकर, तो हम मनुष्य क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। हम मनुष्य तो अभी है ना, और जब मर गए अगर अच्छा कर्म नहीं हुआ तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप सुने तो प्रेत जो है यहाँ मुक्ति हो जाए तो हम लोगों को अवश्य होगा। और बताते हैं विमान पर बैठकर बैकुंठ चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान जी बोलते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का मातम है। इति श्री 9वें अध्याय मातम समाप्त है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वशिष्ठ शुकतुर परिवार जन, श्रीमद् भागवत गीता में वशिष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी के अनेक ज्ञान के बात तो बतलाते हैं। बस हम लोगों को यही जानना है कि यहाँ इस संसार में जो कुछ है यह सब कुछ है श्री कृष्ण भगवान जी का और बनाया हुआ है। हम उनके बिना इस संसार में कुछ नहीं है, और हम उनके भक्ति करें अगर उनके नाम लेवे उनका गुणवाद करें और तो ही हमारा जीवन जो है ये सफल हो सकता है, सुख में हो सकता है। तो बस इस सुखातुर परिवारजन, और हमारे पास एक बड़ी सी पर्ची लगी हुई है, हाथ लगी हुई है, और इनमें स्वर्गीय अरविंद प्रसाद जी की जीवन गाथा जो लिखे हुए हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप सभी जानते थे अरविंद प्रसाद जी और रोहतक सिटी काउंसिल के कर्मचारी थे, और अभी कुछ दिन पहले ही और रिटायरमेंट हुआ था उनका, और उनका बेटा भी इस देश में नहीं है, विदेश में है और आने में यहाँ पर असमर्थ है। तो उनके भैया जी जो हैं उनके बहुत ढेर सारे बहुत विशाल परिवार है, और ये अच्छा भी नहीं लगा हम जब आए तो बहुत ढेर सारे लोगों को बोलना पड़ा कि वापस जाने के लिए, इसके लिए क्षमा। लेकिन क्या करिए, सरकार के भी कुछ नियम है ना, अगर कानून के फंदे में आप फंस जाओ तो वो भी एक मुसीबत है। तो दुख के समय है, तो स्वर्ग श्रीमान अरविंद प्रसाद जी अपने पीछे अपनी पत्नी यानी कि नलिनी देवी और को छोड़कर और एक विशाल परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए संसार से और चले गए।
और वो स्वर्गीय श्रीमान जयराम यानी कि रमेश्वर प्रसाद है जी के बेटे थे, उनकी माता स्वर्गीय बिमलावती थी और उनके बड़े भाई जो है स्वर्गीय रमेंद्र प्रसाद और अब ये संसार में नहीं रहे, और उनके बड़े भैया जो है विवेक प्रसाद और जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और उनकी पत्नी किरण प्रसाद और साथ में बेटा प्रसिद्ध प्रसाद जो न्यूजीलैंड में है, और उनके बड़े पुत्र यानी कि अरविंद के बड़े पुत्र जो है नील प्रसाद, ये सभी लोग अपने पिताजी के श्रद्धांजलि और अर्पण कर रहे हैं और लाइव वीडियो के जरिए से हम सभी को यहाँ पर देख रहे हैं। और स्वर्गीय अरविंद प्रसाद जी के बड़े पुत्र जो है जो ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं रणिल प्रसाद जी, और उनकी उनकी पत्नी सोनिका है, और उनके बताते हैं बेटी जो है और मंशिका मनीषा बासे है, तो शायद हमारे साथ में यहाँ पर होंगे, और उनके दामाद करण सिंह और साथ में वीर नाती है, नाती उनके वीर सिंह है, और साथ में छोटी पुत्री उनके जो थे जो अभी संसार में नहीं है निशिका और स्वर्गीय अरविंद प्रसाद जी के सबसे छोटी पुत्री जो है निशिका निताशना जो यहीं पर इसी घर पर और रहती है, साथ में जो दूसरे भाई है उनका रजेश प्रसाद जी और उनकी पत्नी श्याम कुमारी और उनके बेटा जो है रविनेश प्रसाद जो यहाँ आज मुख्य क्रिया जो करने वाला है दाह संस्कार करने वाला, और उनकी पत्नी शायल प्रसाद और पोता रिवान प्रसाद, और दूसरे बेटे यानी कि सबसे बड़े पुत्र रजेश प्रसाद जी के रोनेश प्रसाद जो ऑस्ट्रेलिया में निवास करती हैं, उनकी पत्नी आरती सिंह और उनके पुत्र है एडन प्रसाद यानी कि पोता और पोती प्रीति प्रिया, और पुत्री जो है प्रीति मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में रहते हैं, और उनके पति यानी कि दामाद जी अफरोज खान, और सभी लोगों ने अपना अपना संद्रा जी जो है और अर्पित किए हैं, और स्वर्गीय अरविंद प्रसाद जी के और बड़ी बहन जो है और स्वर्गीय सविता देवी और साथ में ललिता देवी जो बाकी थी और साथ में अनीता, और साथ में बता दें इनकी छोटी बहन जो है और रीता देवी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है, और उनके पुत्री जो है ऋषा और आशिका, और साथ में और कजन ब्रदर्स यानी कि जो चचेरे भाई लोग हैं और ग्रैंड डॉटर की भी एक लिखा हुआ है आवनी यहाँ पर, और साथ में रमेश प्रसाद और जिसे छोटू के रमेश्वर प्रसाद जिसे छोटू के नाम से जानते हैं, अनु प्रसाद और साथ में बाबू और साथ में अरुण प्रसाद है जो अभी संसार में नहीं रह गए हैं, तो उनके परिवार की ओर से सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बताए गए हैं कि अरविंद प्रसाद जी का जन्म 17 तारीख मार्च 1971 में हुआ था लोटोका अस्पताल में, और उनके मुख्य निवास स्थान यानी कि वाईवाई लोटोका था, और जो यहाँ पर अमोली सेटलमेंट में आकर और अभी बसे हुए थे कुछ साल पहले से, और वो लोटोका सिटी काउंसिल में और बताते हैं ग्राउंड पार्क्स के जो सरदार थे वहां के देखभाली करते थे, और उनका बताते हैं और हॉबीज यानी कि उनके जो पसंद थे वो क्या करते थे, हमेशा टिकटॉक वीडियो वगैरह जो ये बनाया करते थे, और बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन यानी कि बहुत खुशहाल रहते थे, हमेशा सभी से खिलवाड़ करया करते थे और हमेशा खुश में रहते थे, और कभी किसी के ऊपर बोले गुस्सा नहीं करते, और बहुत मददगार इंसान थे, और उनके बहुत करीब परिवार वाले जो है और सभी लोग अपना अपना प्यार और साथ में श्रद्धांजलि जो अर्पण किए हैं, एडविन जो है न्यूजीलैंड से, प्रशील न्यूजीलैंड से, प्रीति न्यूजीलैंड से, रीता अनिल ऑस्ट्रेलिया से, रिशा आशिका ऑस्ट्रेलिया से, नील ऑस्ट्रेलिया से, विकाशनी ऑस्ट्रेलिया से, नंदिनी ऑस्ट्रेलिया और किरण ऑस्ट्रेलिया से, विवेक जो उनके भाई है और रोनेश आरती ऑस्ट्रेलिया से, एलविन शेलविन सिमल और सेलविन के जो पत्नी है पूजा, और साथ में बहुत ढेर सारे है और भेजे हुए हैं लिविंग ग्रैंड फैमिलीज इन फिजी, वो अपने पीछे यहाँ फिजी देश में अपनी पत्नी और बेटा रोनील है, साथ में डोटा इन लो सोनिया एल्डेस्ट डोटा मंशिका निशिका और दामाद करण और ग्रैंडसन वीर आदि सभी को छोड़ छोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री हरि के धाम और जा चुके हैं। तो बस इस परिवारजन हम आप कितने भी और
प्रार्थना करेंगे, कितनों भी मंत्र का उच्चारण करेंगे और हम लोग स्वर्गीय श्रीमान अरविंद प्रसाद जी को यहाँ से जीव वापस जो उनके शरीर में नहीं डाल पाएंगे, तो जो बात गारंटी है तो उसको कोशिश करना भी ही विकार है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों के हक में क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हे भगवान, हे श्री हरि, हे श्री कृष्ण भगवान जी, अरविंद भैया जी के और पिताजी के पति जो कुछ भी आपके रिश्ता में लगते थे कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं पर उसके सुख धाम, सुख धाम किसे कहते हैं, वैकुंठ धाम, यानी कि भगवान श्री हरि के घर चला जाए, हरि के धाम चला जाए, वहां से कोई दूसरा शरीर धारण करके वो जीव कभी कभी इस पृथ्वी पर नहीं आए। यही प्रार्थना है कि आपसे करते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ से आगे की क्रिया जो है और चलते हैं अंतिम क्रिया जो है और ये पुनः आरम्भ करते हैं। तो अंतिम क्रिया करने के लिए और अरविंद भैया जी के भैया के बेटे यानी कि रवनेश प्रसाद जी जो है और वो करेंगे। तो हम ये आशा करते हैं आप सभी लोग हमारे साथ देंगे। केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नरनारायणाय नमः, ओम हस्तपक्षालम् भिन्नग आचमन्नम् अरविंद प्रसाद प्रीतात्मा मुक्ति निवृतांत मृत्यु स्थाने पिट है प्रयास्त।
ओम दश 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 विष्णु नमः गो ब्राह्मण दित्त पर्वस्य श्रीवस्ते वहाकल्पे वैपश्मन मात्र शान्ति विशन्ति में कलु कली प्रथम चरणे भारत खंडे आर्यवर्त भागदो बीजी दीप प्रच्छेदन विद्भल प्राप्ति कामनाय आनंद नामस्य सम्मस्र भादो मास हिं सुकल पक्षेम शेष मिति धी रविवार वार से मध्य पुण्य बेला नित्रण सत्तर लग्न अश्विन शुभ मुहूर्त हेम यदि श्रीमान रविनेश प्रसाद नाम से आम गोत्र उत्पन्न से ब्राह्मणाचार्य शर्मा नाम से सांडिल गोत्र उत्पन्न से स्वर्ग हे काका अरविंद प्रसाद प्रीतात्मा मुक्ति निवर्तांत हे अंतिम क्रिया निवर्तांत विश्राम स्थानी पिंड हे प्रयास्तताम ओम रविवार मध्य पुनित बेला निदकरण शस्त्र लगन अश्विन शुभ मूर्त इति श्रीमान रविनेश प्रसाद नाम से आमुख गुरु उत्पन्न से ब्राह्मणाचार्य शर्मा नाम से शांडिल गोत्र उत्पन्न से हिं स्वर्गीय काका अरविंद प्रसाद हिं अंतिम क्रिया निवर्तांत अंतिम संस्कार हे पिंड हे प्रयास्तताम ओम ओम गीता गंगा चा गायत्री सीता सत्ता सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बलि त्रय संदेह मुक्ति गहिनी अर्ध मात्रा चिदानंदा भयो धनी भयो नाशी वेद परे तत्वे अर्थ ज्ञान मंजरी ओम गीता गंगा चा गायत्री सीता सत्ता सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बलि त्रय संदेह मुक्ति गहिनी आर्धमात्रा चिदानंदा भयो धनी भयो नाशी वेद परे तत्वे अर्थ ज्ञान मंजरी बारी आती है जो अरविंद प्रसाद जी के कुटुंबी परिवार जो है और आप लोग सभी लोग बारी बारी से आएंगे। अगर आप विवाहित हैं आपकी पत्नी और बच्चे आपके साथ में हैं तो आप पूरा परिवार संगे आएंगे, ठीक है, अलग अलग से नहीं, आप संगे आएंगे और उसी समय आप चंदन की टीका लगाएंगे, मुख में पानी, याद रहे सिर्फ जो कुटुंब परिवार जन है, ठीक है। अरविंद भैया के गंगा चा गायत्री सीता सत्ता सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बलि त्रय संदेह मुक्ति गहिनी अर्ध मात्रा चिदानंदा भयो धनी भयो नाशी वेद परे तत्वे अर्थ ज्ञान मंजरी चलाएंगे
कृष्णा हरि 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 राम हरि
कृष्णा हरे 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 राम हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे Krishna Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare तो सभी लोग मिलकर अंतिम प्रार्थना जो है करेंगे और यदि आप में से अभी भी कोई है जो दर्शन नहीं किए हैं तो इस प्रार्थना के बाद में और आप आकर और दर्शन कर सकते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे भगवान श्री हरि से प्रार्थना विनती कर लो। ओ मनालिनी धनुर्देव शंकर चक्र गदाधरन् अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव अतिश पुष्पंक शापी त्वसरुम सूतन ये नारायण गोविंद नतेश विभीत भवतु कृष्ण कृष्ण कृपावतत्वागति नारि भवतु संसारण मर्गणानन प्रसिद्ध पुरुषोत्तमं नारायण सूर्य श्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वर प्रदा अनेन कर्पणनाथ प्रीत मोक्ष प्रदो भव हिरण्यगर्भ पुरेष्वावेक्ता वेक्तस्वरूपिणी आत्स प्रेत मोक्ष श्रद्धा सुप्रीत भव सरे मदाम। सभी लोग हमारे साथ में तीन बार बोलेंगे ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। गोविंद रामायण विहार लाल की जय। ठीक है, अभी भी अगर आप लोगों ने दर्शन नहीं किया है तो दर्शन करने के लिए आप लोगों को मौका मिल रहा है, आप लोग जब आते हैं तो आइएगा। आप लोग जगह बनाओ ऐसे खड़ा नहीं रहो, आप लोग देखते रहो ऐसे करके निकलते रहो, जगह बनाइएगा सभी के लिए। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो
कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। लेकर आए हैं या जो कुछ है यहाँ पर, तो आप उसे सुना सकते हैं। तो सबसे सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, भगवान श्री हरि श्री गणेश जी और श्री शंकर भगवान जी के चरणों में ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम।
तमेहो माता द्रविता तमेहो तमेहो बंधु जनसुखा तमेहो तमेहो विद्या द्रवणम तमेहो तमेहो सर्वम भवति सर्वे कार्येषु सर्वदा श्री गणपति देवाय नमो नमः। ओम वसुदेवं सुतम देवं कंसचाणूर्मर्दनम देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम शिवशंकरं शांतिवासुंदरं त्रिलोचमाजनामिषत् देदेहो शिवायामं श्री शिवाय नमो नमः। ओम नमो सुभाषमवाचाणमं शंकराचार्युत्राचं श्री उमापति महादेवाय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। परिवारजन आज हमारे समक्ष में स्वर्गीय श्रीमान अरविंद प्रसाद जी का स्टोर जो है और ये रखा हुआ है, तो घर पर मैंने बारीकी से श्रीमद् भागवत गीता सुधा जो है और पढ़कर सुनाया था। तो श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश में श्री कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि मनुष्य को सदा मुझमें श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। क्यों ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी बताएं मुझमें श्रद्धा और भक्ति रखो, क्योंकि ये नाशवान दुनिया जो है शरीर छोड़ गया, शरीर को यहाँ पर ले आओ। शरीर क्या है? नाशवान यानी कि नाश होने वाली, ये पांच चीज से बना हुआ है, आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु, और इससे बना हुआ है उसी वापस में उसी उसी चीज में जाकर और मिट्टी में जाकर मिल जाएगा। तो जीव जो है यह अजर अमर और अविनाशी, यानी कि ना कभी जन्मा था ना कभी मरेगा, ना कभी इसे धो पाया कोई, ना कभी कोई इसके सुखा पाया और ना कोई इसके काट पाया, ना कोई इसे जोड़ पाया। इसका साइज क्या आकार क्या है किसी ने नहीं देख पाया आज तक, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया जी के लिए, और सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में वो शक्ति है भगवान से, जिस समय आप लोग प्रार्थना करें उस समय आप विनती करना प्रार्थना करना कि भगवान शायद जीते जी इसने अपने जीवन में गलती किया हो तो प्रभु से क्षमा करना। और अपने धाम भगवान के धाम क्या है? श्री हरि के धाम यानी कि वैकुंठ धाम में स्वीकार करना। आज अरविंद भैया जी अपने बड़े विशाल परिवार, अपने पत्नी बेटियां बेटा जो यहाँ पर इस देश में नहीं है, विदेश गए थे और अभी तो आप सभी जानते हैं हालत क्या है, तो नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके जिस भैया यानी कि बड़े भैया राजेश प्रसाद जी के जो पुत्र हैं रविनेश प्रसाद जी, और क्रिया जो है अंतिम क्रिया जो है नाम संस्कार क्रिया जो है अपने काका जी के कर रहे हैं। साथ में अरविंद प्रसाद जी के बहुत ढेर सारे परिवार हैं, तो आप सभी उसके सगे संबंधी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे शायद नहीं आ पा रहे होंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे, नहीं आए हैं यहाँ पर और इस महामारी बीमारी के कारण, तो सभी लोग अपना अपना श्रद्धांजलि जो है और भेंट किए हैं। तो भैया जी के और जीवन आप सभी लोग जानते हैं बाय बाय में हुआ था, उनके माता जी पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उपस्थित तो हमारे हाथ में अब नहीं रहेंगे, गुम हो गया है। तो बड़े लंबे समय तक जीवन को अपने व्यतीत करते हुए और रोहतक सिटी काउंसिल में कर्मचारी थे आप सभी जानते हैं, तो आज उनके साथी लोग भी यहाँ पर आए हैं और सहयोग दिए हैं, और जितने भी परिवार वाले लोग सहयोग दिए उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बस भगवान से ये प्रार्थना विनती करते हैं कि उनकी जीवात्मा जो है सद्गति की प्राप्ति हो, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। चलते हैं हम सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे अंतिम प्रार्थना, फिर बारी बारी से आप सभी को मौका मिलेगा अंतिम दर्शन करने के लिए। ओम अनादि धनुर्देव शंकर चक्र गदाधरन अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवा अतिश पुष्पंकशापी त्वत्रूपद्युतम् ये नारायण गोविंदन देश विभीत भवतु। कृष्ण कृष्ण कृपावतत्वगतिनार भवतु संसारण मर्गणानन प्रसिद्धि पुरुषोत्तम नारायण सूर्य श्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वर प्रदा अनेन तर्पणनाथ प्रेत मोक्ष प्रदू भव हिरण्य गर्भ पुरेश्वावेक्तावेक्त स्वरूपिणी अच्छ प्रेत शिमोक्ष श्रदा सुप्रीत भव सरे वदा। सभी लोग हमारे साथ में तीन बार बोलेंगे ओम श्री कृष्णे अर्पणमस्तु, ओम श्री कृष्णे अर्पणमस्तु, ओम श्री कृष्णे अर्पणमस्तु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस सुबह के परिवारजन बारी बारी से मौका मिल रहा है दर्शन करने के लिए, याद रहे आप पांव तले यानी कि घोड़ के बगल से आएंगे दर्शन करते हुए। अगर आपके पास फूल पाती लकड़ी जो कुछ भी है चिता पर आप रख सकते हैं, और सरानी यानी कि दूर के बगल से होते होते वापस अपने अपने जगह दूर जाकर खड़े होंगे, ठीक है।
सारे लोग इस बात पर नहीं जिमा हो पा रहे हैं। ओम देवो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांतिर्वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गं शांतिरेव शांति श्यामा शांति ओम शांति 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 जय श्री देहावे पित्र जात भयो दिव्य वाहुत प्रजाणास भयो ओम काव्यदामग्नि पुरोहि नमम यमराजं कक्षेत्रु प्रभा देहावे पित्र जात भयो दिव्य वाहुत प्रजाणास भयो स्वाहा ओम काव्यदामग्नि पुरोहि नमम यमराजं कक्षेत्रु प्रभा एहावे पित्र जात विद्य दिव्य वाहुत प्रजाणास भयो
स्वाहा। ॐ लोभाये स्वाहा, ॐ त्वजे स्वाहा, ॐ लोहिताये स्वाहा, ॐ मेदोभया स्वाहा, ॐ मतेभया स्वाहा, ॐ सनायेभया स्वाहा, ॐ अस्थिभया स्वाहा, ॐ मञ्जाये भया स्वाहा। ॐ अचले स्वाहा, ॐ विश्वे स्वाहा, ॐ शौचे स्वाहा, ॐ शौचते स्वाहा, ॐ सोमनाय स्वाहा, ॐ तप्ते स्वाहा, ॐ सुताय स्वाहा, ॐ तप्ताय स्वाहा, ॐ निश्चित्वे स्वाहा, ॐ प्रस्थिते स्वाहा, ॐ भिष्जाय स्वाहा, ॐ यमनाय स्वाहा, ॐ अन्तकाय स्वाहा, ॐ मृत्युये स्वाहा, ॐ वामने स्वाहा, ॐ ब्रह्मत्राय स्वाहा, ॐ विश्वदेवाय स्वाहा, ॐ क्षयसाय स्वाहा। Thank you.